असल मैं मूँ आपकी मेजबान मोना खान आपके शो रेल पाकिस्तानी के साथ और आज के मा रियल पाकिस्तानी ऐसे से एक्टर हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में अपने स्कूल के ज़माने में अदाकारी की फिर थिएटर भी किया और पाकिस्तान टेलीविजन पर चोर दरवाजे से उन्होंने एंट्री की और फिर हम उनका जो है स्क्रीन के साथ ऐसा बेहतरीन रिश्ता रहा माशाला से चालीस साल से जायद अर्सा जो है उन्होंने अदकारी की उनको देखते भी रहे माशा से पचास से ज़्यादा तो उन्होंने कमर्शल्स भी किए हैं और फिल्में तो अभी जिससे कायद अजमंदाद आनी, फिर नहीं आनी इतनी जबरदस्त अमेजिंग उन्होंने फिल्में दी है अभी भी इनको स्क्रीन पर देखते हैं और अगर मैं कुछ प्रोग्राम्स की बात करूँ चाहे वो आ, फिफ्टी फिफ्टी हो या कॉफी हाउस हो तो आप यकीन समझ गए होंगे आज के हमारे रियल पाकिस्तानी जबरदस्त एक्टर आदिल वारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं वालेकुम सर सलाम <laughs> बेटा मैं तुम्हें ज़रा करेक्ट कर कि मैं चोर दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ था चोर दरवाजे ड्रामे से आया था जो कमाल साहब का अभी तो जिस तरह से आपने यही बात हम जिक्र कर रहे थे कि ये एंट्री वैसे बड़ी अच्छी थी चोर दरवाजे की अगर हम बात करें ये दरवाज़ा बड़ा अच्छा था और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बात करें तो यू आर द ब्लेस्ड वन लकी वन कि आपको वो चोर दरवाज़ा मिला वरना कहाँ लोगों को चोर दरवाज़ा मिलता है नहीं पी में चोर दरवाज़ा तो है ही नहीं पी में तो आप एक ही दरवाजे से अंदर आते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से आना होता था तो पी में चोर दरवाजा नहीं आप अगर दूसरी जगह की बात करें तो चोर दरवाजे थे नहीं सर बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं क्योंकि हम हमने जितने भी सीनियर से बात की है पी टी वी पाकिस्तान टेलीविजन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इदारा जहाँ बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से लोगों को काम मिलता था बाकायदा ट्रेनिंग्स होती थी और फिर मेरिट पे चीज़ों को देखते हुए और आप खुद देखें इसी तरह के लेजेंड्स बनाएँ और आज जो है हम आपके साथ एक तो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स किए मैं फिफ्टी फिफ्टी का ज़रूर जिक्र करूंगी कि हम हमारी मैं तो कहती हूँ हमारे आने वाले बच्चे भी इसका जिक्र करेंगे बिल्कुल करेंगे जी आपके बच्चे को आज भी आप YouTube पे ये ड्रामे है तो वो आज भी हंसेंगे सर वो क्योंकि वो 50 50 का जब जिक्र कर ही दिया मैं जरा थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी स्क्रिप्ट पे बात करती हूँ मैं क्योंकि मैंने एक देखा था कि एक जो है जेबा आपा जो हैं वो जाती हैं उन्होंने कहती हैं नादरा में कि भाई आपने मुझे बेवा लिख दिया मेरा मियाँ यहाँ पे मौजूद है कहते हैं अच्छा आपका मियाँ मौजूद है और वो पिस्टल से उसको जो है उनकी जान ले लेते कहते हैं आप ठीक करें कर बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो एक पुलिस वाला टैक्सी को रोकता है और उसको चेक करता है चेक करके बोलता है चले जाओ जब लॉन्ग शॉर्ट आता है तो पता चला उसके ऊपर टोप है वो उसने देखी ही नहीं है वाओ तो सर तो ये खाके तो बहुत बने हुए थे सर इन खाकों में आप यकीन माने काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सच्चाई तो थी हमारे माशरे को रखते हुए लेकिन सर मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद भी देना चाहूंगी क्योंकि कायद आजम जिंदाबाद जो माशाल्लाह से तो ज़बरदस्त बिजनेस कर रही है और हम बड़ा मिस करते हैं फिल्मों को और लेकिन अगर इस तरह का काम हो आप लोग करें और हमें मौका मिले हमारे सिनेमा को जिस तरह से ओबियस बातें ऐसी फिल्में आएंगी तो हम भी सैनमा जाएंगे हमारे बच्चे देखेंगे हम देखेंगे बिजनेस आएगा तो क्या कहना चाहेंगे आप कहना यह है कि मैंने कायद अजम जिंदाबाद में काम ज़रूर किया है लेकिन मेरा बहुत ही मामूली सा गेस्ट अपियरेंस का रोल है मैं डी आई जी बनाऊँ और मेरे दो सीन हैं फहाद के साथ और जवानी फिर नहीं आने में भी मेरे दो सीन थे लेकिन वो बहुत पावरफुल थे मैं जज बना था और ये फिल्म की रिवाइवल जो हो रही है ये बहुत अच्छी बात है और सुना है कि अब एक फिल्म और बन रही है जो कहते हैं कि वो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव कर देगी मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाह रहा इसलिए कि उसकी एड्स भी शुरू हो रही है और अल्लाह करे कि ऐसा हो और हमारे बच्चे और हम सब फिर सिनेमा हॉल के तरफ रवाना दवा हो अच्छी बात है सर आपने जैसे कैरेक्टर की बात की इतने पावरफुल वैसे भी हम अपने माशरे में देखते हैं बड़े पावरफुल डीआईजी और जज की बातें कर रहे हैं आपने रोल भी बड़े चुन कर लिएन कर ही दिए थे ना जो सूट करता था वही रोल दिए थे लेकिन वो रोल छोटे थे वैसे एक बात है ये जिससे कि आप रोल की लाइफ में कैसे डीआईजी आप जज जैसे आपका होता है रवैया होता नहीं है नहीं जी मैं बड़ा सॉफ्ट स्पोकन आदमी हूँ और गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आ जाता है लेकिन मेरे बच्चों से कभी मैंने कोई ऐसी गुस्से से बात नहीं की या उनको कभी मारा नहीं है जी, आप ये बताएं कि अभी के जो आप ड्रामे देखते हैं मौजूदा चीजों को आ, कंपैरिजन अगर कर लिया जाए तो उस से आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है मैंने तो सुना था आप लोग बड़े स्क्रिप्ट पे तीन तीन चार चार दिन रिहर्सल्स आप लोगों की इतनी होती थी तो यू फील लाइक अभी इस तरह से हो रहा है जी बिल्कुल देखे पहले भी पीटीवी के दौर में ड्रामे बहुत अच्छे बनते थे लेकिन पी के दौर में पी एक ही चैनल था तो बंदे को मजबूर मजदा मजबूर था कि वो अपनी कुर्सी पर बैठ के सामने देखता रहे इसलिए कि उसके पास रिमोट नहीं था वो कोई चैनल चेंज नहीं कर सकता था तो वो देखता था लेकिन पीटीवी के ड्रामे बहुत ही अच्छे होते थे हमने भी काम किया सारी दुनिया ने देखा भी लेकिन अब जो काम हो रहा है उसमें भी अच्छे काम हो रहा है लेकिन पीटीवी में और आजकल के दौर के ड्रामों में सिर्फ फ़र्क ये है कि पीटीवी के दौर में जब हम कास्ट होते थे किसी ड्रामे के सीरियल के लिए या कुछ तो हमें प्रोड्यूसर बुलाता था बैठाता था हमको सारी चीज़ें समझाता था कि भाई देखे आपका ये कैरेक्टर है आप फलाने के बाप है आप फलाने के शोहर है आपकी कैरेक्टर में ये ये वेरिएशन है फलाना है दिमकाना है और वो पूरी स्क्रिप्ट जो है अगर वो बीस एपिसोड होते थे तो बीस एपिसोड में से आपके सीन निकाल के आपको फर्स्ट डे पर मिल जाते थे हम घर जाके फिर उसको रीड करते थे उसको कंसीव करते थे आजकल के दौर में ये चीज़ नहीं होती है आजकल के दौर में आपको फोन आता है किसी चैनल से कि साहब आप तेरह चौदह पंद्रह सोलह को फ्री है मुझे उसमें से तीन दिन चाहिए और फ़ोन करते हैं ग्यारह तारीख़ को तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी फ्री तो हूँ लेकिन कौन से तीन दिन चाहिए वो कल बता देंगे फिर बारह तारीख को फ़ोन करके बोलते हैं जी तेरह चौदह पंद्रह चाहिए यानी दूसरे दिन तो मैं कहता हूँ भाई स्क्रिप्ट क्या स्क्रिप्ट आपको सेट पर दे देते अब आप सेट पर जाते हैं वहाँ पर आपको स्क्रिप्ट मिलती है अब वहाँ पे आप देखते हैं स्क्रिप्ट को आप क्या कंसीव करेंगे कैरेक्टर को कि क्या है मेरा कैरेक्टर मेरा रोल क्या है बहरहाल हो रहा है काम अच्छा बुरा हर काम हो रहा है सर आपने जैसे अपने जब आपने आगाज किया तो वो जमाने की भी बात शेयर की तो उस वक्त जो थे आपके कौन से ऐसे सीनियर थे जिन्होंने आपकी बड़ी हेल्प की और किन से आपने ज़्यादा डांट वाँट भी तो पड़ी पड़ती तो होगी काम को रखते हुए यह बिल्कुल भी नहीं पड़ी भाई फिफ्टी फिफ्टी जो था वो हमारा एक आजकल के जमाने में उसका नाम सेट हो गया उस वक्त वो सीरीज में ही आता था सी... और उसके अंदर जो हमने कैरेक्टर्स किए मुख्तलिफ़ किस्म के कैरेक्टर्स किए मैं उसमें लस्सी वाला भी बना मैं उसमें पुलिस वाला भी बना मैं उसमें जमादार भी बना पता नहीं क्या क्या बने तो उससे जो हमें शोहरत मिली और उसके बाद से मुसीबत यह है हमारे साथ कि अगर आप एक दफ़ा कॉमेडी कर ले तो आपको एक कॉमेडी का छाप लग जाता है बिल्कुल ऐसा फिर वो आपको सीरियस रोल ओमेंट लेते नहीं है लेकिन अल्लाह का शिक्र है कि मैंने पी में ही बंगला नंबर ग्यारह भी किया ऑफिस ऑफिस भी किया जमशेद अंसारी दुर्धाना भट्ट इनके साथ और उसके अंदर भी कॉमेडी भी थी लेकिन सीरियस रोल भी था फिर प्राइवेट चैनल्स में जब काम करना शुरू किया तो मुझे आ, सबसे ज़्यादा मेरा काम जो पसंद आया था वो था तेरी मेरी जोड़ी में स्कूल में ड्रामे होते थे तो मुझसे भी कहा गया कि यार ये कैरेक्टर है ये आप कर लोगे क्वीन का कैरेक्टर है तो मैंने कहा कर लेंगे भाई अब उस जमाने में सातवीं क्लास में मूँ तो नहीं थी तो क्वीन बनने में आसानी हो गई और वो क्वीन का कैरेक्टर जब किया तो वो सारे जितने भी स्कूल के तीन चार ड्रामे हुए थे उसमें से हमारे प्ले को फर्स्ट प्राइज मिल गया और मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ एक्टिंग मिल गया तो जैसे आपको पता है पाकिस्तानियों को अगर कामयाबी जल्दी मिल जाए तो दिमाग में चढ़ जाती है तो वही शायद मेरे साथ भी हुआ मैंने भी सोचा कि यार तो बहुत बड़ा एक्टर बन सकता हूँ तो फिर ज़रा, ज़रा एक्टिंग की तरफ ज़्यादा चला गया उसके बाद जब उस स्कूल में स्कूल भी हमारी कम्युनिटी की स्कूल थी बी वी एस पारसी हाई स्कूल तो फिर कम्युनिटी वालों ने भी वो ड्रामा देखा था फिर हमारे कम्युनिटी के नाटक होते थे ड्रामेस काटरक हॉल में थियोसोफिकल हॉल में फिर उन्होंने मुझे तीन चार ड्रामों में कंटिन्यूसली कास्ट किया और उसके अंदर फिर एक ड्रामे में मैं पठान बना जो बच्चा छोटा था था उस वक्त से वो पारसियों ने उनको अपने घर में रखा था और वो अब माशाल्लाह जवान हो गया है तो वो गुजराती बोलता है लेकिन उसका लहजा वही पठान ही पठानी होता है वो ड्रामा मेरा बहुत सक्सेसफुल हुआ उसके बाद से मैंने फिर राज काजमी साहब के साथ भी स्टेज किए मैंने समद यार खान का भी मरूम का भी प्ले किया स्टेज किया और बस फिर करते रहे सर वैसे थिएटर अगर कंपैरिजन किया जाए स्क्रीन का तो बड़ा मुश्किल होता है थिएटर करना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहीं से आपके जो ऑडियंस है वो उसी वक्त ही फ़ीडबैक दे देती है कि भाई अच्छा आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वहीं पर आपको फीडबैक मिल जाता है थिएटर तो सबसे बेस्ट ही है थिएटर में जो निकल गया थिएटर से उसको फिर आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती इसलिए कि वहाँ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है उसी वक्त अगर पब्लिक हूट करती है तो आप समझ जाओगे जी आपको पसंद नहीं कर रहे और पब्लिक ताली मारती है तो आप कामयाब और सर आपके अमेजिंग कैरियर की बात ये देखी जाए कि आपकी फैमिली में कोई एक्टिंग नहीं करता था और आपने खुद ही अपने अंदर के एक्टर uh, को पहचाना तो यहाँ पे जब एक फैमिली uh, में कोई ना हो जाहिर सी बात है उस जमाने की बात है तो जरा मुश्किल होती घर वालों को समझाना कि भाई नहीं इसको uh, हम इसको कैरियर के तौर पे भी ले सकते हैं हम काम भी कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी फैमिली को जरा फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, थी समझा फैमिली जब तक आपको वो सपोर्ट नहीं करे आप कोई काम नहीं कर सकते लेकिन ये कि ये कि मैं अपनी फैमिली में से कोई भी एक्टर नहीं था आज तक और ना मेरी फैमिली में से मेरा बेटा या मेरी बेटी इनको किसी को शौक नहीं था लेकिन आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इन मेरा पोटा मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा उसको बड़ा शौक है और इनशाला अल्लाह जिंदगी रही तो मैं भी देखूँगा वरना इनशा आप लोग ज़रूर देखोगे उसको किसी बड़े प्ले में बहुत बड़े प्ले में देखोगे मुझे उम्मीद है कि वो एक अच्छा एक्टर बनेगा अच्छा सर माशाला से हम आपकी ज़िंदगी को चीज़ों को देखते हैं आपने इतनी मेहनत की हर चीज़ में आपने ना सिर्फ एक्टिंग को दिया बल्कि जॉब भी करते थे मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग तो अब यही देखते हैं जो एक्टिंग है वही अब उनकी जो है रोज़ी रोटी भी होती है उसको फिर एज ए कैरियर के तौर पर भी लेते हैं लेकिन आपने हर काम किया आपने अपनी जॉब भी जॉब भी किया अपने टेलीविजन को भी टाइम दिया तो किस तरह से मैनेज कर लेते थे बेटा उस जमाने में टेलीविजन से जो चेक मिलता था ना वो अगर अमाउंट आपको बताया तो उसमें गुजारा तो नहीं हो सकता था और हर एक्टर जो था उस ज़माने का वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था बिज़नेस करता था या कहीं नौकरी करता था मैं आपको मिसालें दे देता हूँ रिजवान वास्ती साहब की लतीफ़ कापटिया साहब की लतीफ़ कापटिया साहब नेशनल बैंक में काम करते थे रिजवान वास्ती साहब पहले एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे उसके बाद वो नेशनल बैंक में नौकरी करते थे तो ये जितने भी अदाकार थे वो सिर्फ़ इसके ऊपर गुजारा तो किसी का भी नहीं होता था और जब कोई शादी कर ले और उसके दो तीन बच्चे हो जाए तो फिर ये उस ज़माने में जो हमें ढाई सौ रुपये का या दो सौ सत्तर रुपये का चेक मिलता था उसके ऊपर गुजारा तो कोई नहीं कर सकता था लेकिन वो दो सौ सत्तर रुपये आज के पंद्रह हज़ार के बराबर होते थे नहीं सर आप लोगों ने वाकई मेहनत तो बहुत की है और सर थोड़ा सा हम फिफ्टी फिफ्टी का उस लिहाज से भी जिक्र कर लें उन ख़ाकों का भी क्योंकि वो वो तो मैंने कहा ना वो हमारे दिलों में हमेशा मौजूद हमारे जहनों में भी है लेकिन आपकी कौन सी ऐसी यादें वापसता है फिफ्टी फिफ्टी से स्पेशली कुछ खाके करते हुए जो आप कभी भी भूल ही नहीं सकते जो आपके जहन में रहती हो मैं फिफ्टी फिफ्टी नहीं भूल सकता oh इसलिए कि वो अगर मैंने नहीं किया होता तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते तो उसके अंदर कौन से खाके की मैं बात करूं वो वही पूरा ड्रामा ही मैं नहीं भूल सकता तो आपने थिएटर भी किया ड्रामा भी किया कमर्शियल्स भी किए फिल्में भी की मज़ा काम किस में ज्यादा आपको आया मुझे स्टेज पे ज्यादा मज़ा आता है थिएटर जो है वो आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि क्या किया क्या नहीं किया और सबसे ज़्यादा खुशी होती है कमर्शियल करके इसलिए कि उसमें कुछ ज़्यादा ही मिलता है ड्रामों जिस... से भी और हर जगह से नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफ़ा करूंगी अच्छा सर जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि आपने इतनी कॉमेडी की है इतना आप लोगो, लोगो की पे के तो हो जाता है कि लोग भी हमारे देखने वाले भी इस दूसरे में शायद को कर सकें ये भी एक मसला हम, हम नहीं हैं। मैंने बाद में बहुत सीरियस काम किया मेरे सीरियस रोल में मुझे बहुत पसंद किया है लोगों ने और आज तक मुझे जहाँ भी लोग मिलते हैं मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं मुझे चाहने वाले मिलते हैं मेरे तो मुझे दो ही चीजों के साथ याद करते हैं सर आप फिफ्टी फिफ्टी में आते थे या फिर कहते हैं सर आप तेरी मेरी जोड़ी में थे ना तो ये बात सर वैसे आपका माशाल्लाह से जो आप थे, वैसे तो करेक्टर ही ऐसे कि डीआईजी और जज वगैरह लेकिन विलन की अगर आपको रूप में देखें तो क्या जबरदस्त से विलन अन्दर्वी? आज तक मुझे किसी ने विलन के रोल में लिया नहीं है अल्लाह करे आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए कोई ले ले तो करके दिखा दे आपकी जो आवाज है आप खुद भी बेहतर जानते हैं बड़ी जबरदस्त ही आपकी आवाज़ जो हाइट है और उस लिहाज से तो बड़ा जबरदस्त अल्लाह आप करे आपकी ये जो ख्वाहिश है वो पूरी हो और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मुझसे कोई नेगेटिव रोल कराए इसलिए कि वो सोचते हैं कि शायद ये बंदा नेगेटिव रोल नहीं कर सकता नेचर वाइज बहुत अच्छा हो ना न सर <laughs> नो डाउट सर आप वाकी, आ, एक्टिंग के तौर पे लोग एज एन एक्टर आपको जानते हैं लेकिन आप खुद नो डाउट इंसान बहुत अच्छे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें देखने वालों के लिए मैसेज बेटा यही है कि अपने छोटों से बहुत ज़्यादा प्यार करो अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत करो और एक मैसेज हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए है कि हमारा ये मुल्क में ये जो सैलाब आया है अल्लाह इससे जो नुकसान हुआ है वो सबका पूरा हो जिनका घर उजर गया है उनको अपना घर जल्द से जल्द मिल जाए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और दूसरे इदारे भी कोशिश कर रहे हैं हम सब कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने घर में फिर से आबाद हो जाए आमीन सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और ये जो जितनी भी आपने दुआएं मांगी हैं ये हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला इस चीज़ में हम सब के लिए आसानी अता फरमें बहुत शुक्रिया जी ये थे माए रियल पाकिस्तानी आदिल आदिलवाड़ी सब आपने इनकी गुफ्तू सुनी और अगर मैं इनकी ज़िंदगी को रखूँ तो वैसे तो अल्लाह ताला हर फील्ड में इंसान को कामयाबी अता फरमाता है लेकिन इससे पहले एक अच्छे इंसान बने अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ और बाकी ऑटोमेटिकली अल्लाह ताली मेहनत तो आप हर इंसान को करनी होती है तो इसका फल ज़रूर अता करता है इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद